दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका री टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की मैं इस वीडियो में आपको विंडोज इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि आप कैसे विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ पे विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहा हूँ और 7 और 8 का भी सेम ही मेथड होता है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर आप 7 डाल रहे हैं तो ये मेथड देखिए आप 7 भी डाल सकते हैं, 8 डाल रहे हैं तो आप 8 ही डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको विंडोज इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करनी है तो ये मेरा वीडियो देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम, मेरे साथ है संदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं री टेक्निकल का एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ से तो मैं अपना विंडोज सेटअप रन कर चुका हूँ। अगर आपको अपनी विंडोज को पेन ड्राइव या सीडी पे डालना है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैं शायद आज ही या आपको रात को 12 बजे के आसपास वो वीडियो मिल जाएगी, आपको चैनल पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना सेटअप स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले आप जब अपने पेन ड्राइव बूट करके स्टार्ट कर लेंगे, जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो रात को 12 बजे तक आपको मिल जाएगी। तो बूट करने के आपको यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के आपसे पूछेगा कि इंस्टॉल ना रिपेयर कंप्यूटर, अगर आपको रिपेयर करना था वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप विंडो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ वक्त लेगा सेटअप स्टार्टिंग, तो आप वो 40 से 50 सेकंड लेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कैसा हार्डवेयर है। तो यहाँ से मैंने कर लिया। अब ये लाइसेंस एग्रीमेंट, अगर आपने लाइसेंस वाली है की वाली है तो आप की डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं की भी डालूंगा कि वो ओपनली पोस्ट हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे की डालूंगा नो की। अब उसके बाद आपका अगर एक ही 64 या 32 है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं पूछेगा। अगर बहुत सारी ऑल इन वन विंडो है तो यहाँ पे आपको पूछ लेगा कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे प्रो इनसाइडर इंस्टॉल कर लेता हूँ। प्रो इनसाइडर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, आपको कुछ नहीं करना। अगर पढ़ना है, पढ़ना पसंद है तो पढ़ लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से उसमें कुछ नहीं लिखा होता, तो यहाँ से आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अपग्रेड इंस्टॉल एंड की फाइल सेटिंग्स एंड एप्लीकेशन, तो आपको उसमें तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली। अब उसके बाद आपकी ड्राइव्स आ जाएंगी, जो आपकी हार्ड डिस्क पर ड्राइव बनी, अगर आपको जिसमें भी इंस्टॉल करनी है तो उस पर आप यहाँ से क्लिक करिए। आपकी जो पहले से ही अगर ड्राइव फॉर्मेटेड नहीं है तो उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आपको नीचे ड्राइव टूल्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये भी कुछ वक्त लेगा फॉर्मेट होने के लिए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट कर दिया मैंने, यहाँ से नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद ये भी आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से वीडियो थोड़ा स्किप करूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप देख ही सकते हैं, ये 100 होने के बाद ये राइट आ जाएगा। अभी नीचे के दो प्रोसेस है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होंगे। इंस्टॉलिंग अपडेट्स के बाद फिनिशिंग अप होगा, उसके बाद आपका वो जो कंप्यूटर है रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपके वीडियो का मिनट जो बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इंस्टॉलिंग फिनिशिंग अप पे ये होगा नहीं, एक्चुअल में आपको रिस्टार्ट बोलेगा, आपको यहाँ पर रिस्टार्ट कर लेना है। कोई चिंता की बात नहीं है कि आपका पीसी ख़राब हो गया, ये हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है नीचे कमेंट करके ना भूलिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आप ये रिस्टार्ट मांग रहे हैं, एंटर करके आप रिस्टार्ट कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रिस्टार्ट करने के बाद आपकी जो विंडोज है डल चुकी है, अब आप बस उसके कुछ नॉर्मल से प्रोसेस रह चुके हैं, जैसे कि आपके पीसी का नाम, सेटिंग्स, नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो आपकी ये विंडोज डल चुकी है, लोडिंग होने के बाद कुछ टाइम लेगा। तो मैं इसकी वीडियो बनाना जरूरी नहीं समझूंगा क्योंकि वो नॉर्मल स्टेप्स है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने री टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए रोज़ाना एक वीडियो लाता रहता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।